दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव का पार्ट टू, जिसे मैं पहले भाग में मैंने बता दिया है कि ब्राजील की वनस्पतियों के बारे में बताया है, तो दूसरे भाग में बताने वाला हूँ भारत की वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, आई होप आपने वो वाली वीडियो देखी होगी और वो आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, वहां पर चार प्रकार के वन मैंने बताए थे। ठीक है, कौन कौन से वन बताए थे मैंने? सदा हरित वन बताए थे, फिर पर्णपाती वन बताए थे, फिर तटीय वन वन बताए थे, फिर कंटीली झाड़ियां बताए थे। ये चार प्रकार के वन वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले भारत की वनस्पतियां। तो भारत की वनस्पतियों को, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस जो मानचित्र है, मानचित्र को मैं पहले समझा देता हूँ। ये भारत का मानचित्र, यहाँ पर देखिए ठंडा रेगिस्तान है। तो यहाँ पर इस कलर को आप लोग देखे हो कि नहीं? देखो याला कलर, ये जो कलर है और ये कलर, ये दोनों कलर में क्या फर्क है? ये जो है लाइट है और ये थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, इन दोनों कलर में फर्क है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये ठंडा रेगिस्तान है, फिर ये उष्ण रेगिस्तान है, ये दोनों के एकदम सफेद है। और ठीक है, तो भारत में पांच प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। अगर किसी ने पूछा भारत में कितने प्रकार की वनस्पति है, तो पांच प्रकार की वनस्पति है। और वहीं ब्राजील में चार प्रकार की वनस्पतियां हैं। ठीक है, सदाबहार वन है वह पहला, दूसरा है पर्णपाती वन, फिर तीसरा कंटीली झाड़ी के वन, फिर चौथा हिमालयन वन, और पांचवा है समुद्र तट के वन। इन पांचों वनों के बारे में लोग एक के बाद एक करके क्या करने हैं? मैं समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ ये भारत के किस भाग में पाई जाती है और ये इन वनों के लिए कितनी मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कंटीले वन और समुद्र तट के वन, ये जो चार वन हैं, ये ब्राजील में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो हिमालयन वन है ये ब्राजील में नहीं पाया जाता है। तो हिमालयन वन एक ऐसा वन है जो ब्राजील में नहीं पाया जाता है, तो कहां पर पाया जाता है? सिर्फ भारत में पाया जाता है, क्योंकि ब्राजील में ऐसा हिमालय पर्वत जैसा कोई पर्वत है नहीं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर हिमालयन वन तो वहां पर पाए ही नहीं जाएंगे, तो बात ही सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अगर किसी ने पूछा कौन सा वन है भारत और ब्राजील में, कौन सा ऐसा वन है जो भारत में तो पाया जाता है तो ब्राजील में नहीं पाया जाता, तो उसका आंसर रहेगा हिमालयन वन। अभी देख लो, ये जो एकदम गहरा हरा है ये आपका सदाबहार वन है। ठीक है, अब सदाबहार वन के बारे में आपको मालूम है, जहां पर साल भर क्या होती है, वर्षा होती है, और जहां पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, 2000 मिमी से ज्यादा अगर वर्षा होगी तो वहां पर सदाबहार वन रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो भारत का जो उत्तरी इलाका है, उत्तराखंड हो गया, फिर यहाँ पर असम हो गया, ठीक है, तो इस इलाके में ज्यादा सदाबहार वन है। और यहाँ पर पश्चिमी तट देख लो, भारत का पश्चिमी तट, जो पश्चिमी तट है यहाँ पर अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत, तो यहाँ पर क्या होता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं आती है, इन हवाओं क्या करता है, अरावली पर्वत क्या करता है, रोक लेता है, और इसी पश्चिमी इलाके में क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से वन होते हैं बच्चों? सदाबहार वन होते हैं। और जैसे हम लोग ये पर्वत क्रॉस करेंगे, पर्वत को पार करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, कंटीले वन। कौन से वन? कंटीले वन, क्योंकि ये वृष्टि छाया का प्रदेश का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर बरसात क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बरसात कम होने की वजह से कंटीले झाड़ी के वन निर्माण होते हैं। ये जो झाड़ी होती है, इनकी जो लंबाई होती है बहुत कम होती है, और इनके अंदर कांटे जैसी रचना होती है जो पानी को उस कांटे में क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं, ताकि वाष्पीभवन ज्यादा से ज्यादा ना हो पाए। और बहुत लंबे समय तक भी अगर वहां पर वर्षा नहीं होगी तो कांटों में जो पानी बना हुआ है, ठीक है, पानी रूपी जो द्रव है, उन द्रव की वजह से वो कंटीले वन क्या करते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं और अपना जीवन बनाए रखते हैं। ठीक है, समझाए? तो जो गुजरात, गुजरात में भी क्या कंटीले झाड़ी वन है। ठीक है, यहाँ पर भी जो व्यापारिक हवाएं आती है, यहाँ जो सह्याद्री पर्वत है उसके द्वारा रोक ली जाती है, उष्ण रेगिस्तान है, तो सह्याद्री पर्वत द्वारा जो व्यापारिक हवाएं, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हैं, ये रोकने की वजह से रेगिस्तान के इलाके में क्या है, वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती यहाँ पर, इसलिए कोई भी किसी तरह की वनस्पतियां नहीं दिखाई गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी लगा है और ये ठंड रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये भी है। और मानचित्र में भरने के लिए आता है, मानचित्र में चार मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में मानचित्र आता है, तो आपको पूछेगा ठंड रेगिस्तान और उष्ण रेगिस्तान, रेगिस्तान पूछेगा। ठीक है, आप रेगिस्तान पढ़ के आप लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, राजस्थान में क्या करेंगे, उसको रेगिस्तान दिखा देंगे, लेकिन वहां पर नाम देखिए ठंड लिखा है कि उष्ण लिखा, उष्ण मतलब गर्म और ठंड मतलब शीत। ठीक है, तो वो नाम पढ़ के आप बताइएगा ठंड रेगिस्तान कहाँ पर है, इस तरह का पेपर में आता है मानचित्र भरने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो फीका हरा है ये बहुत ज्यादा हिस्सा व्याप्त किया पर्णपाती वन, और पर्णपाती वन के बारे में बता दूं, ये पर्णपाती वन ऐसे होते हैं, जब ग्रीष्म काल होता है तो ग्रीष्म काल में क्या होता है कि सूर्य प्रकाश जो है
वो बहुत ज्यादा होता है। तो सूर्य प्रकाश ज्यादा होने की वजह से जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये वनस्पतियां क्या करती है, अपनी पत्तियों क्या करते हैं, गिरा देती है। जब पत्तियां इनकी गिर जाएगी, पर्णपाती, पर्ण मतलब पत्ती, पाती मतलब गिरना, ठीक है, पाती मतलब पर्ण मतलब पत्ती और पाती मतलब गिरना, तो ये वनस्पतियां क्या करती है, अपने पत्तों को क्या करती है, गिरा देती है। और पत्ते गिरा देंगे तो पत्ते बचेंगे नहीं, तो उनकी वाष्पी जो वाष्पीभवन की गति है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो गति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका जीवन काल क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, इतना याद रखिएगा। और जो सदाबहार वन है, इनकी वर्षा की जो मात्रा होती है ये 2000 मिमी कितनी होती है, ठीक है, इनको 2000 मिमी की वर्षा चाहिए। पर्णपाती वनस्पतियों को 1000 से 2000 मिमी के बीच में वर्षा की मात्रा चाहिए रहती है। और कंटीले वन को 500, कितना बच्चों, 500 मिमी वर्षा होती है, ठीक है, और आगे धीरे धीरे इसी तरह हम लोग पढ़ते जाएंगे। और हम लोग बात कर ले समुद्री तट के वन, सो समुद्री तट के वन देख लो, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो गुजरात के वाले इलाके में, यहाँ पर देख लो, और यहाँ पर देख लो ना, आपको ऐसे इस तरह का कलर दिख रहा होगा, तो पश्चिम बंगाल के नीचे, ठीक है, यहाँ पर आपको समुद्री तट के वन मिलेंगे। तो अगर किसी ने पूछा समुद्री तट के वन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, तो आप बताइए पूर्वी तट पर, कहाँ पर मिलते हैं, पूर्वी तट, ये इलाका देख लो, यहाँ पर आपको समुद्री तट ज्यादा मिलेगा। ये पूर्वी तट जो यहाँ पर मतलब समुद्री वन ज्यादा मिलेंगे, किसकी तुलना में, पश्चिमी तट की तुलना में, ठीक है, तो याद रखिएगा सारी चीजें। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं, तो हिमाच्छादित वनों में तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं बच्चों। पर्णपाती वन पाए जाते हैं हिमाच्छादित प्रदेशों के ऊपर, तो पर्णपाती वन भी है यहाँ पर, सदाबहार वन भी है, और कंटीली झाड़ियों के वन भी है, ठीक है, तीनों प्रकार के वन है। देख लो ये तीनों प्रकार के वन आप हिमाच्छादित प्रदेशों में देख सकते हो, ऊपर वाला इलाका जो भारत को ऊपर वाला इलाका है, यहाँ पर तीनों प्रकार के वन पाए जाएंगे, ठीक है। अगला है, प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियां किस तटीय प्रदेश में पाई जाती हैं, प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियां किस तटीय पाई जाती हैं, तो पूर्वी तट में, कहां पर बच्चों, पूर्वी तट में पाई जाती हैं। तो इसका कारण क्या है वो भी मैंने बता दिया है, हाँ इसका कारण क्या है वो कारण भी मैंने बताया कि भाई जब ग्रीष्म काल आता है तो पानी का जो वाष्पीभवन होता है उसको रोकने के लिए वनस्पतियां क्या करती है, अपने पत्तों को गिरा देती है, जिसकी वजह से वाष्पीभवन की जो गति है वो कम हो जाती है। और वाष्पीभवन की गति कम होने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, पर्णपाती वनस्पतियां कही जाती है। और इनकी इन वनस्पतियों को 1000 से लेकर 2000 मिमी इतनी वर्षा चाहिए रहती है। भारत का अधिकांश भूभाग किन वनों से व्याप्त है, तो भारत का अधिकांश भाग जो है वो पर्णपाती वनस्पतियों से व्याप्त है, ठीक है बच्चों, यहां तो समझ में आ गया क्या, अधिकांश भाग पर्णपाती वनों से व्याप्त है, देख लीजिए आप लोग, यहां पर फीका हरा ज्यादा है। कंटीले झाड़ियों वाले वन कहां पाए जाते हैं, तो कंटीली झाड़ियों वाले वन जो है वह कहां पर पाए जाएंगे, कहां पर बच्चों, राजस्थान तथा जो प्रायद्वीप है, ये जो राजस्थान है प्रायद्वीप नीचे वाला इलाका जो है प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप के ऊपर और राजस्थान के जो मध्य भाग है वहां पर क्या पाएगा, कंटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया है, आप लोग अगर कॉपी लेके बैठे होंगे तो कॉपी में लिखते जाइए, किताब में लिखते जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे, तो भारत में कितने प्रकार के वन हैं, तो मैं बता दूं आपको, भारत में पांच प्रकार के वन है, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कंटीले वन, हिमालय के वन, समुद्र तट के वन। तो इन पांचों वन के बारे में एक के बाद एक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। भारत में औसतन 2000 मिमी से अधिक वर्षा प्रचुर सूर्य प्रकाश जिन प्रदेशों में पहुंचता है, मतलब जहां पर 2000 मिमी वर्षा होगी और जहां सूर्य प्रकाश बहुत ज्यादा रहेगा वहां पर जो वन रहेंगे उन वनों क्या कहा जाएगा, सदाबहार वन कहा जाएगा, ठीक है, उन वनों क्या कहा जाएगा, सदाबहार वन कहा जाएगा। और इन वनों में प्रमुख रूप से महोगनी, शीशम, रबड़, ये वन ज्यादा पाए जाते हैं। और इनकी पत्तियां जो होती चौड़ी होती, देख लो इनकी पत्तियां कैसी होती, इन वनस्पतियों की पत्तियां चौड़ी और गहरी हरी रंग की होती है, इसके प्रकाश संश्लेषण ज्यादा कर लेती है ना। इन वनस्पतियों की लकड़ी मजबूत होती है, भारी होती है, टिकाऊ होती है। तो महोगनी, शीशम और रबड़, महोगनी, शीशम और रबड़, ये तीन वनस्पतियां हैं जो सदाबहार वन में पाई जाती है। इनको वर्षा की मात्रा कितनी चाहिए बच्चों, 2000 मिमी वर्षा की मात्रा चाहिए, प्रचुर सूर्य प्रकाश चाहिए और सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां चौड़ी होती है और गहरे हरे रंग की होती है, ठीक है। अब हिमालय के जो वन है उनको तीन भागों में बांटा गया है, हिमालय की ऊंचाई के अनुसार से, हिमालय की ऊंचाई के अनुसार हिमालयी वनों को तीन भागों में बांट दिया गया है। हिमालय की ऊंचाई के अनुसार तीन प्रकार के वन है, अधिक ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले और कम ऊंचाई वाले। तो तीन तीन ऊंचाई, अधिक ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले और कम ऊंचाई वाले। अब हम लोग देख लेते हैं कि अधिक ऊंचाई वाले
प्रदेशों में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, मध्यम ऊंचाई वाले प्रदेशों में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, और कम ऊंचाई वाले प्रदेशों में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, एक के बाद एक। अधिक ऊंचाई वाले प्रदेशों में मौसमी फल फूल आदि वृक्ष की वनस्पतियां पाई जाती है। मौसमी जो अधिक ऊंचाई वाले प्रदेश है वहां पर मौसमी फल फूल जैसे सेब हो गया, ठीक है, ये अधिक ऊंचाई वाले प्रदेशों में पाई जाती है। मध्यम ऊंचाई वाले प्रदेशों में सनोवर देवदार सरो शंकुधारी वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष आप लोग मालूम है क्रिसमस ट्री दिखा होगा आपने, क्रिसमस ट्री वही शंकुधारी वृक्ष तलहटी मिश्र वन पाए जाते हैं और शंकुधारी एवं पर्णपाती वृक्ष होते हैं इन वनों में। अब तलहटी में, तलहटी मतलब एकदम निचला इलाका, ठीक है, तो पहला क्या बताया मैंने अधिक ऊंचाई वाले, दूसरा मध्यम ऊंचाई वाले, तीसरा तलहटी, तलहटी में मिश्र वन पाए जाते हैं। मिश्र मतलब शंकुधारी वन भी पाए जाएंगे पर्णपाती वन भी पाए जाएंगे, ठीक है, वनों में साल के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, साल के वृक्ष बहुत मजबूत होते हैं, वाटर प्रूफ वन कहा जाता है, ठीक है। जैसे ब्राजील में मैंने एक बताया था कौन सा वृक्ष जो तो वाटर प्रूफ है, तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है, उसको आप लोग वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो अब ये समझ में आ गया आप लोगों को, हाँ। अच्छा बच्चों मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिया है, अब आगे रबड़ इत्यादि। इन वनों में अनेक प्रकार की लताएं होती हैं, इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता होती है, जो सदाबहार वन होते हैं इन वनों में ज्यादा से ज्यादा लताएं होती है और बहुत ज्यादा हरे होते हैं, इसलिए इनकी जैव विविधता बहुत ज्यादा है, मतलब इन वनस्पतियों की जो संख्या है वह बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब आगे देख लेते हैं, अगली वनस्पति का नाम हमारे पास है पर्णपाती वनस्पति। कौन सी वनस्पति बच्चों? पर्णपाती वनस्पति। तो पर्णपाती वनस्पतियों के बारे में मैंने बताया है कि इन वनस्पतियों को 1000 से 2000 मिमी इतनी वर्षा की मात्रा चाहिए रहती है। वृष्टि प्रदेश पर्णपाती पाए जाते हैं, जब वर्षा नहीं होती तो वाष्पीभवन के पानी कम हो, जब वर्षा नहीं होती तो वाष्पीकरण से पानी कम न हो इसलिए वनस्पतियां अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया है। सागवन बांस बरगद, एक बांस का पेड़ दिखा होगा आपने, बरगद देखा, बांस जहां पर बहुत ज्यादा बांस होता है वहां पर देखें, बांस के पेड़ के नीचे ना बहुत ज्यादा पत्तियां होती है, बरगद बरगद का पेड़ के नीचे आप जाइए तो बहुत ज्यादा पत्तियां मिलेंगी। पीपल, ये वनस्पतियां जो होती है पर्णपाती वनस्पतियां होती है, इनके बारे में आपने देखा भी होगा और आपके आसपास कहीं ना कहीं ये वनस्पतियां पाई जाती है। तो पर्णपाती वनस्पतियों के बारे में आपको मालूम पड़ गया कि भाई ये 1000 से 2000 मिमी वहां पर वर्षा चाहिए और वाष्पीभवन की गति की वजह से पानी कम ना हो इसलिए वनस्पतियां क्या करती है, अपना पत्तियां क्या करती है, गिरा देती है, जिसकी वजह वाष्पीभवन की गति कम हो जाती है और इनका जीवन काल क्या होता है, बढ़ जाता है। अब पर्णपाती वनस्पति हो गई, अब हम लोग देख लेते हैं कंटीली झाड़ी वनस्पति। तो कंटीली झाड़ी वनस्पति के बारे में मैंने बता दिया है कि इन वनस्पतियों को 500 मिमी वर्षा चाहिए और इन पत्तियों, इनकी जो पत्तियां होती बहुत छोटी होती है, छोटी होने का कारण यह है कि जितनी छोटी रहेगी उनकी वाष्पीभवन जो होगा उतना कम रहेगा, ठीक है। भारत में जिन भाग में दीर्घ काल तक शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहती है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु मतलब जैसे महाराष्ट्र का बहुत सारा अधिकांश इलाका है, ठीक है, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके जिससे मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आ जाइए, जो कंटीली झाड़ी ये महाराष्ट्र का इलाका है या दक्षिण दक्षिण भारत है, फिर यहाँ पर गुजरात है, ये इलाके जो है कंटीले वन के हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ किसी न किसी वजह से जो वर्षा, जो हवाएं हैं मानसून हवाएं, वो हवाएं रोक ली जाती है जिसकी वजह से उसके उस पार जो होता है वह वृष्टि छाया का प्रदेश निर्माण होता है और कंटीले वन वहां पर पाए जाएंगे। एवं 500 मिमी से भी कम वर्षा होती है ऐसे प्रदेशों में कंटीली झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। वनस्पतियां की पत्तियां आकार में छोटी होती है, खैर बबूल खेजड़ी घृतकुमारी रामबास आदि नागफनी प्रकार की वनस्पतियां, ये क्या है, इनके उदाहरण है बच्चों, क्या है, उदाहरण है, याद रखिएगा इन सब उदाहरणों को। अब अगला हमारे पास है समुद्र तट के वन, ठीक है। समुद्र तट के वन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पूर्वी जो तट है हमारा भारत का वहां पर समुद्री तट ज्यादा पाए जाते हैं और पश्चिमी तट में थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो लघु, देखो तट के सटा दलदल का प्रदेश खाड़ियों और लघुनों, ये लघुन समुद्री वनस्पतियों के नाम है, क्या है, समुद्री वनस्पति, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जो वनस्पतियां होती हैं, जो समुद्र के आने वाली जो लहरें होती हैं उन लहरों का जो वेग होता है, उन लहरों के वेगों को क्या करता है, कम करते हैं और वहां पर जमीन का जो क्षरण होने वाला रहता है उन क्षरण को भी क्या करते हैं, लोग बचाते हैं, लघुन, ठीक है, लघुन के बारे में याद रखिएगा। भागों में क्षारयुक्त मृदा आर्द्र जलवायु होती है, वहां तटीय प्रदेश के वन पाए जाते हैं, उन्हें सुंदरी के वन या गरान के वृक्ष कहते हैं। इन वनस्पतियों की लकड़ी तेलीय हल्की और टिकाऊ होती है, तेलीय मतलब इनमें पानी नहीं लग पाता है, ज्यादा पानी नहीं जा पाता, हल्की होती है और टिकाऊ होती है,
और ये समुद्र तट का जो क्षरण होता है उनको रोकने में मदद करती है, और समुद्र समुद्र की लहरों की जो गति होती है उनको भी रोकने में क्या करती है, मदद करती है समुद्र तट की वनस्पतियां। इसलिए समुद्र तट पर वनस्पतियां होना बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो वहां पर क्षरण हो कि उस नदी का जो किनारा है वो बढ़ जाएगा और वहां के आसपास के रहने वाले लोगों को क्या होगी, बहुत कठिनाई होगी, बहुत मुसीबत होगी। अब आगे देख लेते हैं, हिमालय में अधिक ऊंचाई के अनुसार। अब हिमालय में ऊंचाई के अनुसार अगर हम लोग देखें तो तीन प्रकार से वन बांटे गए हैं, ठीक है, अधिक ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले, तलहटी के वन। अधिक ऊंचाई वाले प्रदेशों में जो होती है वो मौसमी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी, जैसे फल और फूल मिलते हैं। और मध्यम ऊंचाई में सनोबर देख लो आप लोग, सनोबर हो गया, देवदार, सरो, शंकुधारी वृक्ष। शंकुधारी वृक्ष के बारे में आपको बता दूं, जो आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, क्रिसमस जो त्योहार है उसमें शंकुधारी वृक्ष आपने देखा होगा, मालूम है आपको। तलहटी, अब तलहटी मतलब सबसे नीचे, तो तलहटी में मिश्र प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो शंकुधारी वनस्पतियां भी होंगी और पर्णपाती वनस्पतियां भी होंगी। तो इन वनों का साल वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब जो साल होता है ये बहुत टिकाऊ होता है, बहुत मजबूत भी होता है, तो ये साल वनस्पति है यह हिमालय में ही पाया जाता है। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। यदि और इसको इस मैप को एकदम अच्छे से रीड कीजिएगा, एकदम अच्छे से पढ़िएगा, जहां पर क्या चीज लिखा गया, ठंडा रेगिस्तान कहाँ है, उष्ण रेगिस्तान कहाँ है, और इन कलर का महत्व क्या है, और कौन सी वनस्पति किस प्रकार कितना वर्षा चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, एकदम अच्छे से तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा जो जो पॉइंट समझ में आएगा। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका भाग 3 के साथ।